हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपके एफबी के यानी फेसबुक के एक से ज्यादा अकाउंट हैं या एक ही अकाउंट है और उसको दोस्तों आप परमानेंटली बंद करना चाहते हो, डीएक्टिवेट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो तो किस तरीके से कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर आखिरी तक की पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से दोस्तों आप फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली या फिर टेम्परेली डिलीट कर सकते हो। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लास्ट तक वॉच किया। वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलेगा इस बिना कोई टाइम वेस्ट के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपल से साइड में देखिए, मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ मेरे फेसबुक अकाउंट में। देखो आप इसी से कर सकते हो, आपको कोई यहाँ पे डेमो मतलब कि डेस्कटॉप में ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेस्कटॉप यूज करते हैं तो उसमें भी दोस्तों आप यहाँ पे मतलब जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी दोस्तों आपको करने क्या हुआ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, आपको सिंपल से सबसे पहले तो आपको इस थ्री डॉट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप थ्री डॉट का ऑप्शन पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस सेटिंग का ऑप्शन पे आपको चले जाना है। जैसे सेटिंग का ऑप्शन पे जाते हो, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई देगा। देखो प्रोसेस बहुत सिंपल है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इस बार ऑप्शन पे ले जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मेटा अकाउंट सेंटर का। तो इस बार ऑप्शन पे जाइए, अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे एक पर्सनल डिटेल्स करके एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पे आपको चले जाना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे, ये अकाउंट ऑनर्स एंड कंट्रोल, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको काफी ऑप्शन देखने को, मोनेटाइजेशन का, डीएक्टिवेशन का और रीएक्टिवेशन का, ठीक है। तो बस आपको बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको अपना अकाउंट जो है यानी फेसबुक अकाउंट वो उसको बंद करना है, एक्टिवेट मतलब कि बंद करना है टेम्परेली या फिर आपको परमानेंटली, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जैसे ही आप ऑप्शन पे जाते हो, यहाँ पे दोस्तों आपके जितने भी अकाउंट हैं वो इंस्टाग्राम को मेरे दोनों ऐड करके रखे हैं, इसलिए इंस्टाग्राम का भी आ रहा है, फेसबुक का भी आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे फेसबुक का अकाउंट को डिलीट करना है, तो मैं फेसबुक अकाउंट पे जाता हूँ। देन दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन दिखाई देगा डीएक्टिवेट अकाउंट, ये आपका टेम्परेली है। देखो यहाँ पे लिखा है डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट इज टेम्परेली, ठीक है। यानी आपका अगर यहाँ से डिलीट करते हैं तो आपका अकाउंट टेम्परेली कुछ टाइम के लिए, एक महीने, दो महीने, पांच महीने, छह महीने के लिए दोस्तों आपका अकाउंट बंद होगा। आपको जब भी दोस्तों उसको लॉगिंग करोगे तब वो अकाउंट चालू हो जाएगा। तो ये होता है टेम्परेली। अगर उसको परमानेंटली यहाँ पे बंद करना चाहते हो, अगर परमानेंटली बंद करोगे तो आपका अकाउंट फिर आपका रिटर्न नहीं आएगा। उसका भी एक टाइम होता है, जैसे कि उसका टाइम होता है मैं आपको बताऊँ, एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर उसको फिर से अगर एक्टिवेट करना चाहते हो तो अकाउंट आप कर सकते हो, नहीं तो एक महीने के बाद दोस्तों आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो आपको मिलेगा ही नहीं और एक्टिवेट भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप परमानेंटली करना चाहते हो तो आपको इस वाला ऑप्शन पे जाना है, कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज है, अगर आप अपने मेन अकाउंट को डीएक्टिवेट करते हो, परमानेंटली डिलीट करते हो, तो जितने भी आपके पेज हैं, ठीक है, फेसबुक पेज जो होते हैं ना, वो आपके पूरे डिलीट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे चार यहाँ पे हैं, लेटेस्ट हिंदी न्यूज, डेली न्यूज हिंदी, ज्ञानी बातें, टेक अरविंद सपोर्ट, तो ये है, तो ये मेरे दोस्तों पूरे यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी है डीएक्टिवेट योर फेसबुक अकाउंट पेजेस एट द एडिशनल फेसबुक प्रोफाइल विल बी डिलीटेड, ये भी आपके डिलीट हो जाएंगे। तो अगर आपको डिलीट करना है, कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा बिफोर योर डिलीट बी मे हैव यू टू हेल्प, यानी आप डिलीट करने के पहले अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन द फेसबुक, आई हैव अ प्राइवेसी कंसर्न, अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो कंटिन्यू का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो परमानेंटली डिलीट अकाउंट करके ऑप्शन आएगा, बिफोर डिलीट डीएक्टिवेट अकाउंट टू कीप मैनेजर इन साइट, ठीक है, ये सब ऑप्शन आएंगे। और अगर आप इनको करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे मैसेंजर का, मैसेंजर को डीएक्टिवेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर आप अपनी जो भी सेटिंग्स हैं उनको आप डाउनलोड करना चाहते हो, जो भी कुछ है, ठीक है, ट्रांसफर करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन को और कुछ करना चाहते हो, बस उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बस आपको पासवर्ड देना है। आप जैसे ही पासवर्ड दोगे, पासवर्ड करने के बाद देने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन और आपका आएगा कि आप हाँ यस या नो डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फाइनली गाइस आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। मैं नहीं करना चाहता इसलिए मैं पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ, इसके आगे की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, बस वही प्रोसेस है। जैसे ही पासवर्ड देकर सबमिट करते हो, जैसे सबमिट करोगे गाइस आपका एक बार और ऑप्शन आएगा यस नो का, यस सेलेक्ट करोगे तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी दोस्तों परमानेंटली। अगर टेम्परेली करना चाहते हो तो टेम्परेली के लिए दोस्तों आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे जाना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके बाद बस इतने ऑप्शन पूछा जाएगा, यहाँ पे पासवर्ड देंगे, एक बार ऑप्शन आएगा यस नो, बस उसके बाद परमानेंटली नहीं आपका मतलब कि टेम्परेली कि आपका अकाउंट दोस्तों बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फेसबुक अकाउंट को बंद कर सकते हो। अगर आपके एक से ज्यादा फेसबुक अकाउंट है तो उनको दोस्तों आप मत रखिएगा, क्योंकि एक ही अकाउंट आप चला नहीं पाते हैं तो दूसरा क्या चलाओ, मजाक कर रहा हूँ।
अगर दोस्तों आप मतलब कि याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आप बंद करना चाहते हो, मैंने आपको प्रोसेस बताई इस तरीके से दोस्तों, आप बंद कर सकते हो। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ पाएंगे। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप परमानेंटली डिलीट करोगे ना तो आपका अकाउंट फेसबुक पे दिखाई देगा कोई सर्च करेगा, तो टेम्परेली करेगा तब भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, परमानेंटली में भी दिखाई नहीं देगा। बट दोस्तों अभी क्या होता है कि आपको एक महीने का टाइम दिया जाता है, अब जब भी डिलीट करते हो तुरंत नहीं होगा, एक महीने का टाइम दिया जाएगा। अगर डेट तक आपने नहीं किया तो आपका अकाउंट परमानेंटली, फिर आपका आप कुछ भी कर लो उस अकाउंट को आप रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो खुद आपने परमानेंटली डिलीट करा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हो यानी परमानेंटली के लिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ पाए होगा। वीडियो पसंद आई लाइक करना और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।